तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आप सभी को और एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल का स्वागत है। तो कैसे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस बोलते हो, तो कैसे हो भैया? यहाँ पर मुझे तो पता है भैया, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे इस मौसम को, क्योंकि भाई मौसम क्या वहाँ पर बोल रहा हूँ, कोलकाता का मौसम है कभी खुशी तो कभी गम है। तो गाइस, पर कोलकाता नाइट राइडर्स का यहाँ पर जो है इस वीडियो के टॉपिक में बात कर रहे थे, यहाँ पर केकेआर का मोस्ट प्रोबेबल जो यहाँ पर है ये टारगेट करने वाला है मिगी ऑक्शन 2023 में। ये कुछ 5 प्लेयर्स यहाँ पर रखे हैं, जो यहाँ पर 5 बिग प्लेयर्स भी बोल सकते हैं, बहुत ही कड़ाकेदार धमाकेदार बिग प्लेयर्स यहाँ पर, जिनको यहाँ पर रखे हैं केकेआर के टारगेट प्लेयर लिस्ट में। कोलकाता नाइट राइडर्स कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए जाएंगे, इनको इनके ऊपर मोहर लगाने के लिए जाएंगे। वीडियो जरूर इंपोर्टेंट है कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए, और भाई मुझे परोसने में यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा ये 5 प्लेयर्स, क्योंकि भाई मैं हूँ केकेआर का बहुत बड़ा फैन। आई इंस्टाग्राम में केकेआर देखे भैया, नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कौन कौन भैया केकेआर के फैंस है। वीडियो जरूर इंपोर्टेंट है कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए, वीडियो के नीचे लाइक बटन देखा हिट कर लगे। चल मैं ऐसे क्रिकेट लेना तो हमारे चैनल को प्लीज भैया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। तो कोई ज्यादा देर नहीं करके यहाँ पर आप लोग फटाक से ही परोस देते भैया, यहाँ पर 5 कड़ाकेदार धमाकेदार प्लेयर्स यहाँ पर आप लोग परोस देंगे। पहले ही बोल देते कोलकाता नाइट राइडर्स भैया के यहाँ पर बोल देते, यहाँ पर 2022 का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, 2021 तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, यहाँ पर फाइनलिस्ट भी रहे थे और 2 बार के आईपीएल हिस्ट्री के चैंपियंस रह चुके, आईपीएल के 2 बार के चैंपियंस रह चुके कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स 2023 में यहाँ पर बहुत बढ़िया आगाज करना चाहेंगे, उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड चाहिए। वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड कैसे मेकिंग हो सकते, ये 5 प्लेयर्स, ये 5 धमाकेदार कड़ाकेदार बिग प्लेयर्स अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्क्वाड में ले लिया, तो यहाँ पर आपका जो स्क्वाड है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड में यहाँ पर जो है परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देंगे, बदलाव दिखाई देंगे। यहाँ पर 5 प्लेयर्स यहाँ पर बोल देते, पहले यहाँ पर रखा है हमने यहाँ पर यहाँ मार्टिन गप्टिल को, ये बड़ा नाम है आप लोगों को पता ही चल चुका है, मार्टिन गप्टिल यहाँ पर बहुत साल से यहाँ पर अनसोल्ड रहते हुए 2022 में नहीं थे, ऑलरेडी उपलब्ध नहीं थे। तो 2023 में अगर मिनी ऑक्शन 2023 में यहाँ पर अपना नाम लिखवाते हैं अगर आता है, क्योंकि भाई विदेशी प्लेयर्स का ऑक्शन होता है मिनी ऑक्शन ये, तो बस यहाँ पर बोल देते हैं मार्टिन गप्टिल बहुत ही बड़े न्यूजीलैंड के प्लेयर है, इनको भैया कहीं ना कहीं लेंगे। तो भैया दाएं हाथ ही यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर ओपनर्स का कमी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के साथ ये ओपनिंग कर सकते हैं, राइट ही लेफ्ट कॉम्बिनेशन ताबड़तोड़ 2 यहाँ पर ओपनर शुरुआत दे सकते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर शुरुआती 6 ओवर शुरुआती पावर प्ले। तो इसके बाद जल्दी से जल्दी आते 2 नंबर के प्लेयर में, 2 नंबर प्लेयर रखा हुआ है जेम्स नीसम, मतलब जिमी जिमी भैया जिमी नीसम ऑलरेडी यहाँ, ये भी बहुत ही बड़े ऑलराउंडर के तौर में खेलते हैं, बॉलिंग जितना बढ़िया करते 4 ओवर इनसे निकाल सकते हैं, कि भैया यहाँ पर डेथ ओवर में भी यहाँ पर बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस रखते हैं और भैया बैटिंग के साथ भी रन बना लेते हैं, क्या ही बात करें इनके, ये भी न्यूजीलैंड के प्लेयर है। 3 नंबर के प्लेयर में आए तो भैया एक भारतीय ऑलराउंडर, यहाँ पर एक भारतीय बैट्समैन को रखा जो एज अ फिनिशर भी रन बनाते हैं। यहाँ भैया यहाँ पर बात करो हमारे इंडियन प्लेयर शाहरुख खान की, भैया शाहरुख खान की बात करो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ प्लेयर, ऑलरेडी पंजाब किंग्स के लिए 2 साल खेल चुके, बहुत ही ताबड़तोड़ यहाँ पर फिनिशर के रोल अदा कर चुके, उतना ज्यादा बड़ा पारी नहीं खेला पर यहाँ पर जो पारी खेला है बढ़िया, यहाँ पर आपके टीम को विश्वास जता सकते हैं अगर कोलकाता नाइट राइडर्स में आते तो एज अ फिनिशर ये बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं, टीम को भरोसा जता सकते हैं, टीम इनको भरोसा जता सकते हैं। 4 नंबर प्लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोग पहले ही बोला उस प्लेयर का नाम, हाँ भाई यहाँ इंग्लैंड यहाँ पर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, कितने बार बोले भाई बेन स्टोक्स को यहाँ पर जरूर जाके, हाँ भैया यहाँ पर गारंटी में देता हूँ 100% अगर ये आएंगे, अगर आएंगे तो जरूर यहाँ पर ये इनके पीछे जाएंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स से भी और भी टीम जाएगी यहाँ पर, कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर ज्यादा अप्रोच करेंगे एज अ फिनिशर के तौर में, बैटिंग करते हैं और बॉलिंग एवरेज भी बहुत ही बढ़िया, बॉलिंग भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 ओवर निकाल सकते हैं। तो बस बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर आप कितने महान प्लेयर है या तो आप समझ गए। 5वां एंड लास्ट प्लेयर यहाँ पर इंडियन स्पिनर, एक फिरकी स्पिनर श्रेयस गोपाल, हाँ भैया श्रेयस गोपाल की बात करो, लास्ट सीजन इन्होंने है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था। तो गाइस दो केकेआर इनको टारगेट करेंगे अगर हासिल करते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो है वरुण चक्रवर्ती को आप अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रिलीज कर देते हैं तो श्रेयस गोपाल उनका जो है यहाँ पर कमी यहाँ पर भर सकते हैं, श्रेयस गोपाल बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तरीके के यहाँ पर गुगली भी लड़ते हैं, हमने यहाँ पर देखा विराट कोहली को बहुत बड़ा आउट कर चुका है, बहुत बढ़िया है फिरकी स्पिनर है बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ऑलरेडी ये 5 बिग प्लेयर्स 5 धमाकेदार कड़ाकेदार प्लेयर्स आप लोगों के ऊपर रोज दे, ये कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन कोलकाता नाइट राइडर्स के फ्रेंचाइज यहाँ पर टारगेट करने कहीं ना जा सकते, मैं भी यहाँ पर सहमत। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। वीडियो आज का यही तक था, वीडियो आपको थोड़ा देर अच्छा लगा तो फटाक से लगे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को नीचे लेके सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको क्रिकेट सब कुछ आईपीएल सब कुछ और केकेआर रिलेटेड सब कुछ मिलती रहती है। तो गाइस आज के लिए मिलते हैं आप लोग और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।